बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो YouTube चैनल है वो बनाना सिखाऊंगा। ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ये मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि चैनल किस तरह बनाते हैं। मैं आपको पूरा जो प्रॉपर गाइड करूँगा कि आपने किस तरह चैनल बनाना है, पूरा समझाऊँगा, ठीक है। आपने जो जीमेल अकाउंट है वो किस तरह क्रिएट करना है और उसको यूट्यूब चैनल में किस तरह यूज़ करना है, और तो अपनी जो मोनेटाइजेशन है उसको किस तरह अनेबल करना है और किस तरह अप्लाई करना है आपने, कि जब आपके 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपने किस तरह उसको मज़ीद नेक्स्ट अप्लाई करना है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं लैपटॉप पर बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो में आपको मैं लैपटॉप पे चैनल बनाना सिखाऊंगा। अगर आपको नहीं पता, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना है, तो मैं आपको मोबाइल पे बनाना सिखा दूंगा, इसका कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अभी हम जो वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं, तो आपने अपना जो ब्राउज़र है गूगल क्रोम उसको ओपन कर लेना है। आप कोई भी ब्राउज़र जो उसको ओपन कर सकते हैं, आपके पास सुपरमनी है, यूसी है, या आप जो इसका विंडो का अपना ब्राउज़र होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये क्रोम ब्राउज़र है तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ अभी, और आपको बनाना सिखा देता हूँ कि आपने किस तरह चैनल है उसको क्रिएट करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल वीडियो को पूरा आपने देखना है, फिर आपको समझ आएगी आपने क्या करना है। तो यहाँ पर आपने गूगल क्रोम में आ जाना, यहाँ से आपने सर्च कर लेना क्रिएट जीमेल अकाउंट, ठीक है। तो आपने यहाँ से जीमेल अकाउंट है उसको क्रिएट कर लेना। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा क्रिएट गूगल अकाउंट, ठीक है। तो आपने इसको क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो है एक जो अकाउंट है वो आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपने जो अपना फर्स्ट नेम होता है आपका, आपने वो देना है। तो मैं यहाँ पे लाल देने लगा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम में अपना जो सेकंड नेम है आपने वो देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो आपका यूज़र नेम या जिसको आप ईमेल बोलते हैं आपने वो यहाँ पे देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो दे देता हूँ टेम्परेरी कोई भी, और फिलहाल के लिए मैं जो अपनी जीमेल है ये दे रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं एक्सेप्ट हो चुका है आई थिंक। अगर आपको एक्सेप्ट नहीं होता तो आप यहाँ पे जो ईमेल है इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं दोबारा जो पासवर्ड है उसको रिपीट कर देता हूँ। और एक बात, आपने यहाँ पे जो पासवर्ड डालना है आपने उसमें कैपिटल भी लेटर डालना है पहले वाला, और जो लास्ट वाला लेटर है आपने उसको उसमें जो डिजिट्स वगैरह हैं वो भी डालने हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जो आपका पासवर्ड होता है उसमें जो ये सिंबल वगैरह होते हैं ऐट द रेट हो गया या हैश टैग हो किस तरह को, इस तरह जो सिंबल में वो भी आप लाजमी डाला करें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने जो है अपना नंबर फ़ोन नंबर वो डालना है, ठीक है। तो मैं क्या, तो यहाँ पे मैं नंबर जो है वो डालने लगा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से जो नेक्स्ट है उस पर क्लिक कर देनी है, और क्लिक करने के बाद आपके पास एक जो अपने आपका मोबाइल है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास जो कोड है वो आ चुका है, मैं तो यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आपने जो इंफॉर्मेशन है अपनी वो देनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई रिकवरी जो ईमेल है वो डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है अपनी वो इसमें एंटर करनी है, और उसके बाद यहाँ से मंथ और ईयर आपने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से अपने जेंडर है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपने दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यस यहाँ से यस आई एम इन तो इसको भी ओके कर देना है, और यहाँ से आपने आई आई डी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारा जो अकाउंट है ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है, तो अब हमें इसको उधर यूज़ करना है अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम यहाँ से तो यूट्यूब बस को ओपन कर लेते हैं। आप इसी ब्राउज़र में कर सकते हैं, मैं अपने जो है इस ब्राउज़र में करने लगा हूँ इसको ओपन यूट्यूब को। तो उसमें मेरा जो दूसरा अकाउंट है वो लागिन है, तो इसमें से मैं ये दोबारा इसको इस अकाउंट में इस ब्राउज़र में करने लगा। तो यहाँ से आपने साइन इन है इस पर क्लिक करना है,
वहाँ पे जो आपने वहाँ पे गूगल अकाउंट क्रिएट किया था वो आपने ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईमेल आपको डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने जो पासवर्ड है वो डाल देना है। ठीक है, जो आपने वहाँ पे पासवर्ड लिखा था, और उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद इसको आप नेवर कर दें और यहाँ से आप कंफर्म कर दें तो ये जो अकाउंट है आपका ये यूट्यूब में लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हमारा है कि हमने जो अपना अकाउंट है वो क्रिएट करना है। ठीक है, यूट्यूब में, ठीक है, जो चैनल है उसको क्रिएट करना है। तो किस तरह करना है वो आप जो हमारा प्रोसेस है वो अब शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक जो आइकन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मेरा कर्सर है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन शो होगा यहाँ से क्रिएट ए चैनल का। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। और यहाँ से वो आपको दो ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, कि एक तो आप जो अपना नाम है वही यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो चैनल है किसी और नाम से जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो कस्टम नेम है उसको सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कस्टम नेम वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो आपका चैनल का नाम है आपने वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चैनल लिख देता हूँ द टेक्निकल। चलो ये मैं फिलहाल लिख रहा हूँ। ठीक है, और तो यहाँ पे आपको जो क्रिएट वाला बटन है वो ब्लू हो चुका है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा, वहाँ आपने क्या सेटिंग करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो आपका चैनल है ये क्रिएट हो चुका है, तो अब इसको आपने जो आपकी मोनेटाइजेशन है वो किस तरह आपने इसको इनेबल करना है, जो आपको टाइम वगैरह। तो यहाँ पे आप जो चैनल का वो अपलोड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे जो आपकी चैनल की डिस्क्रिप्शन है वो डाल सकते हैं कि आप चैनल में आपने किस तरह बनाया, किस लिए बनाया है और आपके चैनल में क्या क्या चीज़ें, उसमें जो कस्टमर आएंगे या जो भी आपके व्यूवर्स आएंगे उनको क्या कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर आपको नीचे अगर आप वेबसाइट है उसका यहाँ पे आप लिख देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद अपना फेसबुक देना चाहते हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम का। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये चीज़ें बाद में करूँ तो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेटअप लेटर का, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपने यहाँ पर जो यूट्यूब स्टूडियो वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस साइड पर एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन देगा, तो आपने उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो कर देनी है, तो आपका जो चैनल है वो प्रॉपरली क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मोनेटाइजेशन, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद तो आपने यहाँ से जो अपडेट लोकेशन है इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो फीचर एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन है ये मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आपको जो फ्यूचर डेट रिक्वायर्ड फोन वेरिफिकेशन, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वेरीफाई फोन नंबर, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपने जो आपकी लोकेशन है, अगर आप इंडिया से हैं तो आप यहाँ से जो इंडिया वाली लोकेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान वाली लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आप वो कॉल करें या मैसेज तो यहाँ से आपने मैसेज वाला सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर जो आपका नंबर है आपने वो एंटर कर देना, जो भी नंबर है। तो मेरा अभी जो नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है, मैं फिर भी ट्राई कर लेता हूँ, अगर मुझे मैसेज मिलता है तो, अगर नहीं मिलता तो आपने यहाँ पे बस जो नंबर है उसको एंटर करना है, तो जो आपका चैनल है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपने वीडियो एड करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नंबर है इसको एंटर करके देख लेता हूँ। चलो ये मैसेज जो है भेज रहे हैं, मैं देख लेता हूँ अभी। मैं कॉल टूट चुका है तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ अपने कॉल में। तो ये देख सकते हैं मेरा जो फोन चैनल वेरीफाई हो चुका है। दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक कर लेता हूँ।
कि देख सकते हैं आप जो मेरी मोटिवेशन है वो नज़र हो चुकी होगी कि मैं अब वीडियो अपलोड करूँगा तो वो मेरा टाइम वॉच टाइम होगा उसमें काउंट होगा। ठीक है, तो ये मेरा जो थोड़ा नेट स्लो है से, तो यहाँ से मैं अब इसको करता हूँ, कूल डाउन करता हूँ, मोनेटाइजेशन पे क्लिक करता हूँ। तो हमारा जो नंबर है वेरीफाई हो चुका है, तो उसके बाद भी देख सकते हैं हमारे पास जो वो कह रहा है कि आप अभी तक रिजल्ट नहीं हुए, तो आपने यहाँ से अपडेट लोकेशन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी लोकेशन है अपनी उसको सिलेक्ट करना है, तो आपका जो चैनल है वो यहाँ पे मोनेटाइज होना शुरू हो जाएगा, कि आप बता देगा कि आप एलिजिबल वाले हैं, आप अपना जो काम है उसको स्टार्ट करें। मैं यहाँ से अपडेट लोकेशन है उस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से आपने जो आपकी लोकेशन है उसको सिलेक्ट करना है, तो अपनी कंट्री उसको सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से जो कंट्री उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आप जो यहाँ से भी होंगे, तो यहाँ से मैं पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये ऑप्शन शो कर रहा है कि जो हमारी ग्रोथ चैनल को स्टार्ट हो चुकी है, अभी तक हमारे सब्सक्राइबर हैं वो ज़ीरो हैं, और जो पब्लिक वॉच आवर्स हैं वो भी ज़ीरो हैं। यहाँ से आपको जो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए। ठीक है, वो आपने करना है, वो आपको कोई बता रहे हैं कि आप जो एलिजिबल हो चुके हैं, बस आपने ये जो काम है इनको पूरा करना है। तो हम आपको जब आप इस जी जो हमने टारगेट दिया पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद हम आपको जो है नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपकी वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।